इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के खिलाफ युद्ध का पहला राउंड 100% मार्क्स के साथ पास करने के बाद अब चुनौती दूसरे राउंड की है। आज से देश भर में वैक्सीनेशन महाअभियान का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। 60 साल से अधिक और 45 साल से ज्यादा उम्र की गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग आज कोरोना का टीकाकरण करवा सकते हैं। कोविन 2.0 पोर्टल पर आज सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के लिए कहीं से भी और किसी भी वक्त रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। आज से प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए देकर भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है या 1 जनवरी 2022 को आप 60 साल के होने वाले हैं तो आप कोरोना का टीका लगाने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी उम्र 45 साल से ऊपर है और आप डायबिटीज, हार्ट, ल्यूकीमिया, कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं तो आप आज से ही वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। आज से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के दूसरे राउंड में देश भर के करीब 12,000 सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि दूसरे फेज में करीब करीब 27 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। आज देश के ज्यादातर अस्पतालों में वॉक इन टीके लगेंगे, यानी अस्पताल में सीधे जाकर बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन की पहली डोज लग जाएगी। आज 9 बजे से कोविन 2.0 पोर्टल पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। कल से वैक्सीनेशन इन्हीं रजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा। कोविन 2.0 पोर्टल के अलावा अस्पतालों में सीधे जाकर भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन आज सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको आज दोपहर 12 बजे बाद ही टीका लग जाएगा। कल से उन्हीं को टीका लगेगा जिनका रजिस्ट्रेशन होगा। आपके लिए जरूरी है कि अगर आप आज रजिस्ट्रेशन या फिर वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल में जाएं तो अपना आईडी कार्ड साथ रखना ना भूलें। 45 से 60 साल के जिन लोगों को गंभीर बीमारी है उन्हें अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। सेकंड फेज में कोई भी व्यक्ति किसी भी केंद्र पर टीका लगवा सकता है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में टीका लगेगा। निजी अस्पतालों में हर खुराक के लिए 250 रुपए देने होंगे। इसमें 150 रुपए टीके के लिए और 100 रुपए सर्विस चार्ज होगा। हमारे सरकारी अस्पतालों में ये टीकाकरण का कार्य निःशुल्क होगा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रत्येक बेनिफिशियरी के लिए शासन ने 250 रुपए निर्धारित किए हैं, जिसमें 150 रुपए प्रति बेनिफिशियरी भारत सरकार की एक का अकाउंट नंबर है, उसमें ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा और जब ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उसी के आधार पर जो है वो वैक्सीन उनको डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर से प्राप्त कराई। नौ बजे से रजिस्ट्रेशन के बाद राजधानी दिल्ली में दोपहर 12 बजे से वैक्सीनेशन की प्रोसेस शुरू होगी। दिल्ली में कुल 56 सरकारी और 130 प्राइवेट अस्पतालों में टीका लगेगा। अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली में 60 साल से ऊपर के 43 लाख लोगों को टीका लग सकेगा। उत्तर प्रदेश में आज ज्यादातर जगहों पर बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन होगा। इसके लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज पहले दिन लखनऊ में 900 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। इस तरह से पूरी तैयारी है, जो भी टीका लगाने आएंगे बाहर गार्ड बैठा होगा, उनका आधार कार्ड चेक होगा, अगर 60 साल से ऊपर के होंगे तो आधार कार्ड से उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के उनका टीका लगाया जाएगा, और 45 साल से ऊपर है, उन्हें बीमारियाँ हैं तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट उन्हें दिखाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। ये वेटिंग एरिया यहाँ पे बनाया गया है जहाँ पे आके वो वेट करेंगे। फिर ये सामने दो कमरे हैं जो वैक्सीनेशन के लिए अलग रखे गए हैं, फिर ऑब्जर्वेशन के लिए उधर जगह बनाई गई है कि वैक्सीनेशन के बाद उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके बाद ही उन्हें घर जाने दिया जाएगा। वॉक इन है, यानी आप आके सीधा टीका लगा सकते हैं, तो जो कार्ड है वो सब यहाँ बनेगा जिसमें अगली तारीख लिखी होगी कि कोरोना की वैक्सीन अगली तारीख को उन्हें कब लगवानी है। लखनऊ में आम लोगों को वैक्सीन 170 अस्पतालों में लगेगी, जिसमें 137 प्राइवेट और 33 सरकारी अस्पताल हैं। लेकिन आज पहले दिन सिर्फ 4 अस्पतालों में वैक्सीन लगेगी, जिनमें 3 सरकारी और 1 प्राइवेट अस्पताल शामिल है। लखनऊ में और प्रदेश के सभी जनपदों में सॉफ्ट रन के तहत जो है वो हम लोगों ने 3 स्थानों को चिन्हित किया है प्रत्येक जनपद में, लेकिन लखनऊ में हम लोगों ने 4 स्थान चिन्हित किए हैं और उन 4 स्थानों में KGMU, राम मनोहर लोहिया,
और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत है उसको जो है वो चिन्हित किया गया है। और प्रत्येक स्थान पर जो है वो हम लोग 100 बेनिफिशियरी लगाने के निर्देश थे लेकिन KGMU में हम लोगों ने 400 बेनिफिशियरीज का टारगेट लिया है। कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए मध्य प्रदेश भी तैयार है। MP सरकार ने 62,000 ऐसे बुजुर्गों का डेटा तैयार किया है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। कोविड की जंग में भारत ने जिस तरीके से मजबूती से लड़ाई लड़ी जीती, कोविड के वैक्सीन बनाने में जिस तरीके से जंग लड़ी और जीती, उसके बाद अब ये दूसरे वैक्सीनेशन के चरण में भी 60 साल से 10 करोड़ जो ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए जो वैक्सीनेशन की तैयारी हुई है उसमें भी भारत अपनी ये जंग जीतेगा। और भोपाल में प्रशासन और निजी अस्पताल के साथ साथ जो सरकारी अस्पताल है पूरी मुस्तैदी से तैयार है इस जंग को एक बार और जीतने के लिए। आज से कुल 186 सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी जिसमें 148 सरकारी और 38 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। दूसरे चरण में वैक्सीनेशन के लिए मध्य प्रदेश को 16,63,000 डोजें दी गई हैं, जिनमें से 7,00,000 डोज MP पहुंच चुकी हैं। दूसरे चरण में वैक्सीनेशन की पूरी तैयारियां मध्य प्रदेश में की जा चुकी हैं और 1 मार्च से इस अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में 186 हम लोगों ने संस्थाओं में वैक्सीनेशन के सेंटर बनाए हुए हैं, उसमें हमारे 51 जिला चिकित्सालय हैं और उसमें 84 हमारे सिविल अस्पताल हैं, 13 जो हमारे शासकीय जिला चिकित्सालय हैं। कोरोना पर सबसे बड़ा प्रहार करने के लिए वैक्सीनेशन का दूसरा राउंड बेहद अहम है। इस राउंड के पूरा होने पर देश की 1/3 आबादी कोरोना को मात देने में सक्षम हो जाएगी। दूसरे फेज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ही वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। दूसरे कई बड़े नेताओं और अफसरों को भी वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाएंगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।